नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान, स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। गिरते उठते सवरते और उलझते रियल एस्टेट बाजार की हर एक अपडेट के साथ हर रविवार हम आपके सामने पेश करते हैं रियलिटी चेक। रियलिटी चेक में हम आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है रियल एस्टेट बाजार में खास। दोस्तों, इस सप्ताह भी हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट बाजार में इस मंदी के दौर में इन बड़ी डील्स के क्या मायने हैं। लंबे समय से जिस तरह से रियल एस्टेट इन्वेस्टर से लेकर बिल्डर्स तक को इस तरह की डील्स का इंतजार था, आने वाले समय में मान रहे हैं कि कुछ और बड़ी डील्स देखने को मिलेगी और इस तरह की बड़ी डील्स के बाद में ग्राहकों को भी अपने इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लंबे समय से हम आपको बता रहे हैं कि इस समय का इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा और दोस्तों, अब वो समय आता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ साल में रियल एस्टेट बाजार में बहुत से बदलाव आए और अगर हम बात करें महज जयपुर शहर की तो यहाँ पर रियल एस्टेट के लिहाज से बहुत कुछ चल रहा है। ग्रेड ए राजस्थान भी बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है और दोस्तों, अब इन सब के बाद में वो वक्त आ गया है जब आपके इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ये हम नहीं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी कहते हैं। रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ इन्हीं तरह के टॉपिक्स की और साथ ही आपको लेकर चलेंगे राजधानी जयपुर के खास सीकर रोड इलाके पर। सीकर रोड इलाका वही है दोस्तों जहां पर बहुत तेजी से रियल एस्टेट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और उसी की वजह से कई बार रियलिटी चेक की टीम इस इलाके में पहुंची। यहाँ का सबसे बड़ा USP है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ ही शहर के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के रियल एस्टेट इन्वेस्टर इस इलाके में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी टाउनशिप्स आ रही है, इंडस्ट्रियल हब बन गया है इलाका। इसके साथ ही कई बड़े बिल्डर्स यहाँ पर बना रहे हैं फ्लैट्स। और क्या कुछ खास चल रहा है इस इलाके में, चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको सीकर रोड इलाके पर। जयपुर के प्रॉपर्टी बाजार का ग्राफ जिस तरह आए दिन नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि जयपुर में अपने घर के सपनों को पूरा करना लोगों की जिंदगी का एक लक्ष्य बन गया है। सपनों के घर की चाहत में कई लोगों का रुझान शहर में बने बनाए फ्लैट या विलाज है, तो कुछ लोग अपनी जमीन पर अपनी सुविधाओं के अनुरूप अपने घर के निर्माण को प्रमुखता देते हैं। अपनी जमीन, अपना घर और अपना खुशहाल परिवार, अगर आपका भी ऐसा ही एक सपना है तो जयपुर के सीकर रोड पर आपका ये सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि शहर के सभी बड़े बिल्डर्स सीकर रोड पर बना रही हैं फ्लैट, टाउनशिप, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी चेक की टीम आज रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट देने पहुंची है राजधानी जयपुर के सीकर रोड पर। सीकर रोड जयपुर के झोटवाड़ा के पास स्थित है और आगरा बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है, जो कि शहर के प्रमुख हिस्सों में से एक है। सीकर रोड वाणिज्यिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। रीको का विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया भी इसी रोड पर स्थित है, साथ ही शहर के बिल्डर्स के इंडस्ट्रियल पार्क्स भी इसी रोड पर स्थापित हैं। तो वहीं मॉल्स, खुदरा दुकानों की भी सीकर रोड पर कोई कमी नहीं है, जो कि सीकर रोड को बनाती है व्यापार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। सीकर रोड का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है, क्योंकि उस रोड पे फ्रेट कॉरिडोर भी टच कर रहा है और पानी अवेलेबिलिटी वाटर अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर है और एक अच्छी जगह है, पीसफुल। अगर अपन अजमेर की तो अजमेर रोड ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और सीकर रोड अब धीरे 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 ग्रो कर रहा है, कॉलोनियाँ भी आ रही है और आने वाला फ्यूचर बहुत बढ़िया है। सीकर रोड पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, हॉस्पिटल आ रहे हैं, कॉलेज हैं, तो जो एक आदमी के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है एक नॉर्मल आदमी को रहने के लिए कि स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, तो सभी जो फैसिलिटीज है वो सीकर रोड पे अवेलेबल है। दोस्तों, सीकर रोड की बात अगर लोकेशन की दृष्टि से की जाए तो सीकर रोड जयपुर का वो इलाका है जहां से जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप, बस अड्डा मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहीं जयपुर एयरपोर्ट
15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो शहर का प्रमुख एमआई रोड 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही सीकर रोड से शहर के प्रमुख स्थानों से अच्छी रोड कनेक्टिविटी है। सीकर रोड व्यापार एवं रिहायश की दृष्टि से जयपुर शहर का एक पसंदीदा एरिया बनता जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह शहर के अन्य इलाकों से अच्छी रोड कनेक्टिविटी तो है ही, साथ ही अच्छे स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, इंडस्ट्रियल एरियाज का सीकर रोड पर उपलब्ध होना भी है। यही कारण है सीकर रोड आज अपने घर की चाहत रखने वाले लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। औद्योगिक दृष्टि से भी सीकर रोड शहर वासियों की पहली पसंद है। सीकर रोड पर उद्योगों के विकास की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए एसएनजी ग्रुप के द्वारा जयपुर सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर सिल्वर सॉयल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया गया है। सीकर रोड पर एसएनजी ग्रुप के इस इंडस्ट्रियल पार्क की अपार सफलता के बाद अब एसएनजी ग्रुप लेकर आए हैं अपना रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट स्टार वैली एजिना, जो कि पूर्णतया रेसिडेंशियल अपार्टमेंट होगा। सीकर रोड में पहले भी हम एक प्रोजेक्ट लेके आए थे सिल्वर सॉयल इंडस्ट्रियल पार्क, वो हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा और सब लोग जिन्होंने भी इंडस्ट्री लगाई वो लोग बहुत सुखी है, सब लोगों ने बहुत तारीफ की है। उसी को ध्यान में रखकर हम एक प्रोजेक्ट और लेके आए हैं, अभी रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये हम नीनड़ मोड़ पे है और लगभग 500 के आसपास फ्लैट है, फ्लैट का हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जयपुर के सीकर रोड पर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया से महज 1 किलोमीटर दूर सीकर रोड के नीदड़ रोड पर करीब 10,500 गज के प्लॉट पर एसएनजी ग्रुप के द्वारा लाया जा रहा है अपना प्रोजेक्ट स्टार वैली एजिना। एसएनजी ग्रुप द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में बिल्डर द्वारा कुल 550 फ्लैट्स बनाए जाने की योजना है। बिल्डर द्वारा यहां पहले फेज में 325 फ्लैट्स और दूसरे फेज में 225 फ्लैट्स बनाने की योजना है। हमारा प्लॉट 15,000 गज का प्लॉट है, उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आसपास में खुला एरिया है। हम लोग भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और सोसाइटी का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि ग्रीन एरिया मैक्सिमम से मैक्सिमम छोड़ रहे हैं। हर फ्लोर पे कुछ न कुछ ग्रीन एरिया जरूर छोड़ रहे हैं, जिससे कि रहने वाले आदमी को एक सुकून महसूस हो। दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की माने तो जयपुर शहर का रियल एस्टेट बाजार बेहद ही ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप हो रहा है। एरिया वाइज रियल एस्टेट मार्केट को यहाँ की सरकार बेहद ही ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप कर रही है और इसमें खास योगदान यहाँ की यंग जनरेशन ऑफ बिल्डर्स का खास योगदान है। अगर हम बात करें जगतपुरा की, अगर हम बात करें दिल्ली रोड की और अगर हम बात करें आगरा और सीकर रोड की, तो इन सभी इलाकों के अंदर आपको बड़ी बड़ी टाउनशिप्स मिलेगी। यहाँ पर आपको बेहद ही उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हॉस्पिटल, स्कूल की तरह की यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जान रहे हैं सीकर रोड के प्रॉपर्टी बाजार का हाल और आगे भी जानते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोस्तों, रियलिटी चेक की टीम आज पहुंची है सीकर रोड इलाके पर और सीकर रोड इलाके पर बन रहा है एसएनजी ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट। दोस्तों, इससे पहले भी रियलिटी चेक की टीम कई बार इस इलाके में पहुंची और जाना अलग अलग बिल्डर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को गौर से। कुछ खास है इन प्रोजेक्ट्स में जो कि सोचकर बनाया जा रहा है ग्राहकों की जरूरतों को, और क्या कुछ खास चल रहा है इस इलाके में, चलिए जानते हैं। एजिना में एसएनजी ग्रुप द्वारा सभी सुविधाओं से युक्त 1, 2 और 3 बीएचके के 500 स्क्वायर फुट से लेकर 1600 स्क्वायर फुट तक के 550 फ्लैट अलग अलग ब्लॉक्स में बनाए जाएंगे। अगर हम बात करें रियल एस्टेट जगत में एसएनजी ग्रुप की, तो ये नाम इस इंडस्ट्री में लगभग 2 दशक पुराना है। साथ ही एसएनजी ग्रुप द्वारा अब तक लगभग 15 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। एसएनजी ग्रुप की खासियत है कि एसएनजी ग्रुप अपने सभी प्रोजेक्ट प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग के साथ शहर की प्राइम लोकेशंस पर लेकर आते हैं। एजिना जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें 3 साइज के फ्लैट हैं, 600 स्क्वायर फीट के हैं, 1100 स्क्वायर फीट के हैं और 1600 स्क्वायर फीट के हैं।
अलग अलग साइज के कि जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसी फैमिली हो, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर ले और ले। एसएनजी ग्रुप के एजिना में बिल्डर द्वारा 1, 2 और 3 बीएचके के 550 फ्लैट बनाए जाएंगे। इन सभी फ्लैट्स की सबसे खास बात ये है कि ये सभी फ्लैट्स प्रॉपर वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, ताकि फ्लैट्स ओनर को फ्लैट में शुद्ध हवा, रोशनी तो मिले ही, साथ में आर्थिक सुख और शांति का एहसास भी हो सके। एसएनजी ग्रुप के द्वारा अपने प्रोजेक्ट एजिना में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार लगभग 65% भू भाग खुला छोड़ा जाएगा और 35% हिस्से में ही 550 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। एजिना में फ्लैट ओनर्स को मिलेगी वो सभी सुविधाएं और विशेषताएं जो आम तौर पर एक महानगर में रहने वालों के लिए जरूरी है। शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबे और प्रदूषित वातावरण से दूर एसएनजी ग्रुप का प्रीमियम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट एजिना का निर्माण उस जगह किया जा रहा है जहां से अच्छे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बाजार जैसी आधारभूत सुविधाएं भी ज्यादा दूर नहीं है। एसएनजी ग्रुप द्वारा लाए जा रहे प्रोजेक्ट एजिना का निर्माण वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर इस तरह किया जाएगा कि हर फ्लैट में प्रॉपर वेंटिलेशन और सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच सके। बिल्डर ने एजिना को डिजाइन करते समय फ्लैट में रहने वालों की हर जरूरत और आवश्यकता को ध्यान में रखा है। फ्लैट का लिविंग एरिया हो या बेडरूम, किचन हो या लेट बाथ, हर कोने और हर जगह आपको मिलेगा जिंदगी जीने का एक शाही अंदाज। वास्तु को मैगजीम फॉलो करने की कोशिश करते हैं 100%, तो मैं एश्योरेंस दे नहीं सकता कि वास्तु के हिसाब से है, लेकिन मैगजीम से मैं देखूँ, हमने वास्तुकार अपॉइंट किए हुए हैं, वो लोग पूरा देखते हैं, वो यस कर देते हैं कि हाँ मैगजीम फ्लैट वास्तु के अकॉर्डिंग है, तो हम लोग उसको लॉन्च करते हैं। एसएनजी ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट एजिना में जहाँ एक ओर आपकी सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा है, वहीं दूसरी ओर आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का भी खास ध्यान रखा है। आपकी सेहत को बनाए रखने के लिए एजिना में बिल्डर ने गार्डन्स एवं सीनियर सिटीजन पॉइंट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया 15,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन, मेडिकल रूम, चिल्ड्रन पार्क, लिली पॉन्ड, बैडमिंटन कोर्ट, गेस्ट रूम, फूड कोर्ट, मिनी थिएटर, कॉन्फ्रेंस हॉल भी डेवलप कराने की योजना बनाई है। वहीं क्लब हाउस में आपको इंडोर गेम्स, कम्युनिटी सेंटर जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। बच्चों के लिए सेपरेट एरिया तो सब लोग छोड़ते हैं, लेकिन हमने बुजुर्ग लोगों के लिए भी एक सेपरेट एरिया दिया हुआ है, और प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए, क्लब हाउस है, बहुत बड़ा क्लब हाउस है, और बाकी फैसिलिटी तो जो एक ग्रुप हाउसिंग प्लॉट में होती है, मैक्सिमम सारी की सारी फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। बैंकों से अप्रूव्ड है, लोनेबल है, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है कि आसपास में सभी जगह बसावट है, तो हमारा जो आज दिन तक जो भी प्रोजेक्ट आया हमेशा हिट रहता है, क्योंकि लोकेशन हम हमेशा एक बहुत अच्छी चूज करते हैं जो कि आम आदमी के रहने के लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। रियलिटी चेक में फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। रियलिटी चेक की टीम आज पहुंची है सीकर रोड इलाके पर और जायजा ले रही है इस इलाके में बन रहे नए प्रोजेक्ट्स का। दोस्तों इस इलाके की सबसे बड़ी यूएसपी है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की रोड, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का हर तरीके का एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया जा रहा है पिछले 5 सालों में, वो रियल इस्टेट को लेकर के काफी पॉजिटिव है। और क्या कुछ खास चल रहा है इस इलाके में, चलिए जानते हैं। एजिना का निर्माण लगभग 10,500 वर्ग गज के भूखंड पर किया जा रहा है। 200 फीट वाइड रोड पर बनने वाले एजिना में बिल्डर ने पार्किंग के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहां बेसमेंट, स्टिल्ट फ्लोर पर पार्किंग के साथ साथ ओपन कार पार्किंग की सुविधा भी बिल्डर द्वारा की जाएगी, ताकि आपके पास आने वाले मेहमानों को भी अपनी कार पार्क करने में कोई परेशानी ना हो। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उससे भी ज्यादा पार्किंग देते हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर है, अगर बगैर पार्किंग के कोई आदमी फ्लैट लेना भी नहीं चाहता। हम खुद चाह रहे हैं कि जितना नॉर्म्स है उसके हिसाब से उससे भी ज्यादा पार्किंग हम दे रहे हैं। पार्किंग की हमारे यहाँ किसी प्रोजेक्ट में अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई और आएगी भी। एसएनजी ग्रुप द्वारा बनाए जा रहे एजिना में बिल्डर द्वारा यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम करने की योजना है। यहाँ हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ वीडियो डोर फोन,
इंटरकॉम फैसिलिटी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिसर की निगरानी की जाएगी। वहीं वेल ट्रेंड सिक्योरिटी भी आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। आपकी इजाजत के बिना कोई भी आपके फ्लैट तक नहीं पहुंच सकेगा। एजिना में बिल्डर ने फ्लैट के लिविंग और डाइनिंग स्पेस में इंपोर्टेड मार्बल की, मास्टर बेडरूम में वुडन और दूसरे बेडरूम्स में वर्टिफाइड टाइल्स तथा बालकनी और बाथरूम्स में एंटी स्किड प्रीमियम सिरेमिक टाइल्स की फ्लोरिंग करने की योजना बनाई है। दीवारों पर पीओपी विद प्लास्टिक पेंट किया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक फिटिंग्स में कॉन्सील्ड कॉपर वायरिंग काम में ली जाएगी और सभी स्विच प्रीमियम क्वालिटी के सभी फ्लैट्स में लगवाए जाएंगे। एसएनजी ग्रुप के प्रोजेक्ट एजिना में बिल्डर ने मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड कराने की योजना भी बनाई है, जिसमें चिमनी, होब एंड ओवरहेड कैबिनेट भी सम्मिलित हैं। एजिना में हर रसोई गैस बैंक के जरिए सेंट्रलाइज्ड गैस सप्लाई सुविधा से जुड़ी होगी। हर फ्लैट में आरओ सिस्टम तो लगेगा ही, साथ में पूरी बिल्डिंग में वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनवाने की बिल्डर की योजना है, ताकि प्रकृति की अमूल्य निधि पानी को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। एजिना में सभी फ्लैट्स के वॉशरूम में फिटिंग्स प्रतिष्ठित कंपनियों की लगाई जाएगी। वॉशरूम के फ्लोरिंग में एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं वॉशरूम की दीवारों पर 4 फुट की ऊंचाई तक डिजाइनर सिरेमिक टाइल्स लगाई जाएगी। यूरोपियन WC वॉश बेसिन के साथ साथ प्रीमियम क्वालिटी की सभी फिटिंग्स का उपयोग हर वॉशरूम में किया जाएगा। एसएनजी ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट एजिना में इस बात का भी खास ध्यान रखा है कि हर मंजिल और हर फ्लैट तक आसानी से ताजी हवा और सनलाइट आसानी से पहुंच सके। वहीं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आसानी से आने जाने के लिए हाई स्पीड लिफ्ट्स भी बिल्डर द्वारा यहां लगाई जाएगी। एसएनजी ग्रुप द्वारा बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट एजिना नेचर फ्रेंडली प्रोजेक्ट होगा। खुले और प्राकृतिक वातावरण में हर सुविधाओं के नजदीक अगर आपने अपने ख्वाबों के आशियाने को बसाने का मानस बना रखा है, तो एसएनजी ग्रुप का एजिना आपके इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। यकीन मानिए, एजिना के फ्लैट्स न सिर्फ आपको आत्मिक और मानसिक सुख देंगे, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नए आयाम के साथ एक नई परिभाषा भी देंगे। ये स्वर्णिम अवसर है, अगर अभी नहीं ले पाएंगे तो वो ले भी नहीं पाएंगे। उनको फ्लैट अभी तुरंत परचेज करनी चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे मार्केट पिक कर रहा है और आने वाले टाइम पे महंगाई बढ़नी है। जो आज के तारीख में मार्केट है, उससे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। और जब नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते हैं तो उसकी कॉस्ट तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को बियर करनी पड़ती है, और वो अल्टीमेटली उपभोक्ता को पे करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली अब भाव बढ़ने ही है, क्योंकि जो लैंड एरिया है वो एक लिमिटेड है, और रहने वाले हैं, पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, और सिटी की तरफ लोगों का पलायन भी कंटिन्यू होता जा रहा है। तो नेचुरली एक रेटें बढ़नी है सिटी में, तो जो लेने का सबसे अच्छा वक्त है। अगर इस वक्त कोई आदमी नहीं ले पाएगा तो बाद में उसको महंगाई का बोझ झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों, रिसर्च राजस्थान के बाद ये माना जा रहा था कि रियल एस्टेट बाजार में बदलाव आएगा। रियल एस्टेट मार्केट में अब बहुत सी डील्स नजर आएगी। बाहर के प्रॉपर्टी निवेशक भी राजस्थान में पैसा लगाएंगे, और खुशी की खबर यह है कि अब ये सब कुछ होता नजर आ रहा है। शहर में पिछले कुछ समय से लगातार बाहर के प्रॉपर्टी निवेशकों का पैसा लग रहा है, और पैसा लगने के साथ ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स का कार्य भी शुरू हो गया है। लेकिन मंदी के चलते इन प्रोजेक्ट्स के दाम भले ही ना बढ़े हो, लेकिन आने वाले समय में मंदी के बाद जब बादल छटेंगे तो कहीं ना कहीं ये दाम बढ़ेंगे। दोस्तों, लगातार हम आपको एक बात कह रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और इस इन्वेस्टमेंट के टाइम पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। शहर के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बस आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचना है कि आप किस बिल्डर या इन्वेस्टर्स के साथ अपना पैसा लगाने जा रहे हैं। जिस इन्वेस्टर की क्रेडिबिलिटी मार्केट में है, उसके साथ अगर आप पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज के एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि किस तरह सीकर रोड लगातार डेवलप हो रहा है, और इस डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ा हाथ है राजस्थान की सरकार का, जो लगातार यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी खास ख्याल रख रही है। कई बड़ी टाउनशिप और योजनाएं यहाँ पर लॉन्च की जा रही है, और सरकार के साथ मिलकर बिल्डर्स और निवेशक भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, और इसके नतीजतन कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स में काफी किफायती दामों पर फ्लैट व प्लॉट बेचे जा रहे हैं। दोस्तों, सीकर रोड पर
न केवल रेजिडेंशियल बल्कि इंडस्ट्रियल हब भी तैयार हो रहा है और शहर के टॉप 10 बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स यहां पर मौजूद हैं। लगातार रियलिटी चेक की टीम ये भी जानती रहती है कि इस इलाके में किस किस बिल्डर ने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया है और कौन बिल्डर ग्राहकों की नजर में बेहतर बने हुए हैं। और ये बताना उद्देश्य हमारा इसलिए भी है क्योंकि रियलिटी चेक करती है आपको हर पल हर समय रियल इस्टेट मार्केट की रियल अपडेट के साथ अवेयर। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है रियलिटी चेक में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे रियलिटी चेक में रियल इस्टेट मार्केट की रियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को।